का नाम है रिप्सन तमांग। सर मैं 23 साल का हूँ, मेरा वर्क 3 बार रिफ्यूजल आ गया, क्या मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ? ये भी मैं जो है आपको आंसर। उसके बाद है सतपाल सिंह, 46 सर ईयर ओल्ड है, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को भी कि भाई मैं सतपाल सिंह पूछ रहे 46 उम्र वाला भी एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो भाई मैं इस चीज को बताऊंगा कि आपकी एज डजंट मैटर। वेलकम टू आवर ब्लॉग अगेन, ये हमारा थर्ड वीडियो है जो आपके क्वेश्चन और आंसर दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो सिर्फ 8 मिनट का है, लेकिन आपको जो नॉलेज मिलेगा ना, मैं बता रहा हूँ क्वालिटी नॉलेज है, और जितने भी क्वेश्चन है ना आपको सुनना, मैं बता रहा हूँ कई बार क्या होता है, हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है, तो क्या पता आपको वो दिमाग में ना कैच कर पाए क्वेश्चन, लेकिन जो मैं इन्होंने जो कमेंट में डाला है ये आपकी जरूर हेल्प करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। सो कीप वॉचिंग थर्ड वीडियो जो है क्वेश्चन और आंसर। थैंक यू। आए क्वेश्चन की सीरीज में, तो पहला क्वेश्चन है मिस्टर नूर आलम का, सर ओरिडो मनी वैलिड है या नहीं है, इसका मैं आंसर दूंगा आप लोगों को। उसके बाद ये पूछ रहे हैं सर आप जो है जॉब इन यूरोप की, सर आप VFS में अपॉइंटमेंट दिलाते हो नहीं दिलाते, ये भी बता दूंगा आपको। उसके बाद सफीना जावेद पूछ रही है कि सर डॉक्यूमेंट लीगलाइज होता है या नहीं होता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, उसके बाद जो है इसका नाम है रिप्सन तमांग, सर मैं 23 साल का हूँ, मेरा वर्क 3 बार रिफ्यूजल आ गया, क्या मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ? ये भी मैं जो है आपको आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आया है कि मुमताज दर्जी पूछ रहे हैं सीजनल वर्क परमिट सर अभी ओपन है या क्लोज है, ठीक है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सतपाल जो है 46 एज वाला भी सर क्या एलिजिबल है पोलैंड के लिए, इसका आंसर भी मैं दूंगा आपको। और उसके बाद तुषार पटेल सर VFS 30,000 रुपये मांग रहा है, क्या ये जेन्युइन है या नहीं है, या फिर 30,000 सही है नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए पूरे डीप नॉलेज में बिल्कुल ऑथेंटिक, कीप वॉचिंग। और वीडियो जो है 8 मिनट का है, फिर बोल रहा हूँ 8 मिनट में भाई सिगरेट भी खत्म नहीं होती, चाय भी खत्म नहीं होती, और आपको क्वालिटी वीडियो मिल रहा है सिर्फ 8 मिनट में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कीप वॉचिंग एंड एंजॉय सुजीत वापस ब्लॉग। हाय गाइस, जैसे प्रॉमिस किया था स्टार्ट करते हैं अपना सेशन क्वेश्चन के आंसर देने का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है नूर आलम का, ये पूछ रहे हैं सर मैं कतर से हूँ, ओरिडो मनी जो है वैलिड है? तो गाइस ओरिडो मनी वैलिड है, बिकॉज दिस इज ए फाइनेंशियल एप्लीकेशन होती है ओवरसीज ट्रांसफर्स के लिए, और लोकल ट्रांसफर में आप ओरिडो मनी यूज कर सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ नूर आलम, आप इसका स्टेटमेंट भी दिखा सकते हो। पहले अगर आपके पास प्रायोरिटी मेरी बैंक की एप्लीकेशन, अगर बैंक है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो यू कैन शो योर ओरिडो मनी एप्लीकेशन, और उसकी भी स्टेटमेंट आप निकाल लेना। सो क्लोजिंग अकाउंट जो है आप शो कर सकते हो। ठीक है, अब कितना पैसा लगेगा ये मैं बताता हूँ। देखो इंडिया से आपको 1.5 से 2 लाख के बीच में जो है अपना वो दिखाना होता है स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन जब आप गल्फ में काम करते हो, व्हेन यू आर वर्किंग देयर एज अ एम्प्लॉय, ठीक है, तो आपको सैलरी मिलता महीने का, तो वहाँ पे आप जो है 1 लाख रुपए भी शो करोगे, सो दैट इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ओरिडो मनी वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, आप शो कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है जॉब इन यूरोप VFS की अपॉइंटमेंट डेट दिला सकते हो? अब इसका आंसर तो भाई जितने मेरी ऑडियंस है ना, सब्सक्राइबर है, सारे खुद ही बता देंगे कि सुदीप भाई जो है VFS के स्लॉट में डील नहीं करता है। क्यों नहीं करता? बिकॉज ये वैल्यू ऑफ मनी वाला काम नहीं है, नहीं है। फिर भी मुझे काफी लोग फोर्स करते हैं, सर कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 70,000 भी दे देंगे। फिर भी जो है हम लोगों के मतलब एक हर काम करने का एक लिमिट होती है, उस लिमिट के पार हम नहीं जाना चाहते, बिकॉज कुछ एक हमारी एथिक्स है काम करने की। तो जो है वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, हम जो है VFS में डील नहीं करते, क्योंकि VFS की जो फीस है वो सिर्फ 874 रुपये है, और अगर आप उसको प्रीमियम भी लोगे तो मान लो 8,000 भी है, लेकिन लोग 70,000 ले रहे हैं, इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर 8,000 की जगह 15,000 भी लेते हो, 7-8-15, चलो मैं बोल रहा हूँ डबल भी ले लो तो भी अच्छी बात है, लेकिन आप जो है 8 के 80 ले रहे हो वो काम हम नहीं करते हैं। ठीक है, आंसर मिल गया कि VFS स्लॉट हम क्यों नहीं बुक करते, क्योंकि वो वैल्यू ऑफ मनी वाला काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है सफीना जावेद, वर्क परमिट लीगलाइजेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, सफीना जावेद है। ठीक है, देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ, पोलैंड के अंदर आपको कोई भी चीज को ना तो अपोस्टल करवाना होता है ना लीगलाइज करवाना होता है। हाँ एक चीज है, अगर आप हैबिट ऑफ ड्राइवर में जा रहे हो फ्रॉम कतर UAE, तो आप IDP करवा देना, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, बिकॉज अगर आपके पास IDP नहीं होगा तो भाई 2-3 महीने वहाँ बैठना पड़ेगा पोलैंड के अंदर। और कई बार ऐसा हो रहा है कि भाई बंदे वहाँ पे जा रहे हैं, 3 महीने बैठ रहे, 4th महीने कंपनी क्या बोल रही है, भैया आप जो है हमारे पास आपके लिए जॉब कितना पैसा देंगे। ठीक है, तो बेटर ये जस्ट डू IDP, अदरवाइज जो है आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लीगलाइज कराने की जरूरत नहीं है। हाँ आपका लाइसेंस है उसको आप ट्रांसलेट जरूर करवा सकते हो अरेबिक से इंग्लिश और इंग्लिश से पोलिश लैंग्वेज में, दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस,
लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो लाइक पीसीसी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपको कुछ भी जो है पोस्टल या लीगलाइजेशन नहीं चाहिए। ठीक है सफीना जावेद, आपको आंसर मिल गया। दूसरा है रिपसंग तमांग, ये बोल रहे हैं सर मेरी उम्र जो है 23 साल की है। मैं आपको जो है कमेंट भी दिखा देता हूं इनके, 23 साल की है। देखो ओरिडो मनी वाला तो भैया ये है क्वेश्चन नूर आलम का कि ओरिडो मनी जो है हम यूज कर सकते नहीं कर सकते। ठीक है ये देखो जॉब इन यूरोप पूछ रहे हैं सर पोलैंड की अपॉइंटमेंट है या नहीं है। ठीक है उसके बाद जो है आप ये देखो सफीना जावेद डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन करना है कि नहीं करना, तो भाई ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, लोग पूछ रहे हैं इससे जो है इनके आंसर दे रहे हैं। उसके बाद जो है ये देखो कितने सारे हमारे पास चीजें, एक जो है रिप्सन तमांग पूछ रहे हैं मैं 23 साल का हूँ ठीक है मेरा 3 बार रिफ्यूजल आ गया सर, क्या मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ और पीसीसी मैंडेटरी है। ठीक है तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास 3, 5, 6, 10 बार भी अगर आपका पोलैंड का रिफ्यूजल है तो भी उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है देर इज नो रिस्ट्रिक्शन की भैया 2 रिफ्यूजल आ गए, बट हाँ वीजा के जो चांसेस है मे बी दिट विल बी लेस इन द फ्यूचर, बट अगर कंपनी अच्छी है ठीक है टॉप कंपनी है पोलैंड के अंदर ट्राई अगेन। ठीक है सो रिसम तमांग देर इज नो क्राइटेरिया कि अगर आप रिफ्यूजल है तो आप जा नहीं सकते, आप जा सकते हो। और पीसीसी मैंडेटरी है कि नहीं है, मेरे हिसाब से पीसीसी मैंडेटरी है, प्लीज पुट योर पीसीसी ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन बिफोर गोइंग द वीएफएस। ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भाई इनका नाम है जैनबुद्दीन, ये पूछ रहे हैं भाई 4 महीने हो गए मेरा वर्क परमिट ही नहीं आया तो सुदीप भाई कितना टाइम लगता है। देखो मैं आपको बताता हूँ पोलैंड के वर्क परमिट पे मैंने आपको बोला 6 महीने का प्रोसेस तो रहता है, लेकिन इनकेस अगर आपको लगता है कि भाई पोलैंड वर्क परमिट नहीं आ रहा है जस्ट टेक अ फॉलो अप विद योर कंसल्टेंट, वो आपको बेटर क्लियरिटी दे पाएंगे बिकॉज दे आर डूइंग योर वर्क। अकॉर्डिंग टू मी 6 मंथ का प्रोसेस होता है भाई। ठीक है 6 मंथ का प्रोसेस करने का मतलब 6 मंथ तक आपकी सबमिशन हो जानी चाहिए एम्बेसी के अंदर। नाउ व्हाट एवर द टाइम दे विल टेक एम्बेसी और वीएफएस इज डिपेंड ऑन देम। ठीक है अगला क्वेश्चन है मुमताज दारजी, भाई मुमताज दारजी का मुझे क्वेश्चन ये भी बहुत सही लगा जैसे रिप्सन तमांग ने पूछा कि भाई सीजनल वर्क परमिट अभी अगस्त में 2023 में ओपन है या क्लोज हो गया, क्या सही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना मजा आता है इसका आंसर देने में। ठीक है देखो भाई जो सीजनल वर्क परमिट है बेसिकली 6 से 9 महीने के परमिट होते हैं। ठीक है और जैसे मैंने अपने पहला वीडियो में बताया था कि जितने भी सीजनल वर्क परमिट है सब 31 दिसंबर को खत्म होने वाले हैं, तो अगर मुमताज ये पूछते हैं कि भाई वर्क परमिट ओपन है या क्लोज है तो मैं बोलूंगा वर्क परमिट ओपन है। ठीक है ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन उसके साथ मैं ये भी जोड़ूंगा कि प्लीज आई डोंट रिकमेंड एनी सीजनल वर्क परमिट, गाइस सीजनल वर्क परमिट मत लो। ठीक है ये मैं एडिशनल एडवाइस दे रहा हूँ अपने साइड से, अदरवाइज यू विल लूज योर मनी टाइम और स्ट्रेस में भी आ जाओ। अगेन एक क्वेश्चन और आ गया सफीना का, अपॉइंटमेंट लीगलाइज होती है डॉक्यूमेंट। अच्छा ये सफीना का बहुत फोकस है लीगलाइज में है अपोस्टल में। ठीक है तो सफीना मैं आपको बताऊंगा कोई भी डॉक्यूमेंट लीगलाइज नहीं होता है। ठीक है सिर्फ आईडीपी मैंने आपको बताया वो जो होती है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बोलते हैं, वो आपके काम की चीज है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कई व्यूअर्स ये चैनल देख रहे हैं उसमें ट्रक ड्राइवर भी। उसके बाद सफीना का सेम क्वेश्चन है सर अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल होती है, बिल्कुल अपॉइंटमेंट जो है रीशेड्यूल होती है। उसके बाद है सतपाल सिंह 46 सर ईयर ओल्ड है, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को भी कि भाई मैं सतपाल सिंह पूछ रहे 46 उम्र वाला भी एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है तो भाई मैं इस चीज को बताऊंगा कि आपकी एज डजंट मैटर, एज जो मैटर नहीं करती है, 46 के आप 50 में भी ट्राई कर सकते हो पोलैंड का, लेकिन ये भी सुन लेना कि जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे जो है आपका वीजा के चांसेस कम होते रहते हैं। ठीक है और एक लास्ट क्वेश्चन है तुषार पटेल का, लास्ट क्वेश्चन मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन है, कल दोबारा आएंगे, कल नहीं तो परसों जरूर आएंगे। तुषार पटेल पूछ रहे हैं भाई वीएफएस की अपॉइंटमेंट 30,000 में मिल रही है, सही है रेट या गलत। भाई रेट मैं क्या बताऊं, जब हम चीजों में डील ही नहीं करते हैं तो हमें क्या पता रेट क्या चल रहा है। ठीक है तो भाई अगर आपको वीएफएस की अपॉइंटमेंट के बारे में पता करना है यू कैन फाइंड अ जेन्युइन पर्सन, आप जेन्युइन पर्सन ढूंढ सकते हो क्योंकि अपॉइंटमेंट है मार्केट के अंदर। अब वो 30 लेगा 35 लेगा 70 लेगा 1,00,000 लेगा डिपेंड ऑन देम। ठीक है हमें भी बहुत सारे लोग फोर्स करते हैं सुदीप भाई दे दो भाई दे दो, हम आपको 70,000 के रुपए देने को रेडी है, एक बार के लगता है हेल्प कर दूं, बट फिर लगता है ये चीजें वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। जिस दिन अपॉइंटमेंट दूसरों से
दोबारा से 15,000-18,000 की हो जाएगी, मेरे चैनल में आके कमेंट कर देना, तुम्हें अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि पैसा ऐसा लेना चाहिए जो लगे। चलो मैं बोल रहा हूँ अपॉइंटमेंट का जो कॉस्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया 874 रुपए। चलो प्रीमियम भी ले लिया हमने, 8,000 मान के चलो, 8,000 प्रीमियम ले लिया। 8 के 16 में ले सकता हूँ, 20 तक ले सकता हूँ, लेकिन भाई 8 के 80 नहीं ले सकता भाई मैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसा है, वो जो है उतना पैसा जो है मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। काम ऐसा करो कि वैल्यू ऑफ मनी हो, ठीक है, क्योंकि हम चलते हैं लॉन्ग टर्म के विजन में, आज ही काम नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के विजन में। तो हम काफी लोग बोलते हैं सुदीप भाई आप बस छोटी छोटी वैकेंसी निकालते हो, बल्कि में क्यों नहीं निकालते, 200 लोगों के साथ हायर क्यों नहीं करते। भाई हमें जो है, हमें वर्क परमिट वाला काम में वैसे भी नहीं करता, बहुत कम लोग है चुनिंदा, 10-5 करके वर्क परमिट निकालता हूँ, ठीक है। निकालने के लिए मैं 500 परमिट जो है इसी सितंबर के, अगस्त सितंबर के अंदर पूरे इंडिया में दे सकता हूँ 500 परमिट, लेकिन मैं वो काम नहीं करता, ठीक है। अगर 2 लोगों को परमिट दिला सकता हूँ, मिस्टर अख्तर का भी परमिट आ गया, नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा आपको कितनी जल्दी उनका परमिट आया है, ठीक है, पोलैंड से। तो गाइज ये था मेरा वीडियो, अगली बार फिर आऊंगा, आपके जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर दूंगा, और मैं आपको बता रहा हूँ परफेक्शन मिल जाएगा आपको ये वीडियो देख के। थैंक यू गाइज सो मच, अगेन लव यू ऑल।